करहल में उपचुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ता संवाद करने आया कांग्रेस के कई नेता और विधायक। संवाद के बाद कार्यकर्ताओं के साथ क्या भोजन, खबर करहल से है जहां कांग्रेस नेताओं ने जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर आगामी महीनों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर के साथ शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह से लेकर कांग्रेस के अन्य पूर्व मंत्री और विधायकों सहित कई दिग्गज नेता करहल पहुंचे, जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके उनमें जोश भरने के साथ ही मंत्री रामनिवास पर जमकर हमला किया। कई नेताओं ने उन्हें मतलबी, स्वार्थी और गद्दार बताया तो कुछ ने गुंडागर्दी की राजनीति करने के आरोप लगाए। इस दौरान मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर और सांसद प्रत्याशी रहे नीटू सिकरवार ने कहा कि अगर आपका कोई अपमान करेगा तो आप एक फोन कर देना, हम आपके अपमान का बदला उसका अपमान करके लेंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के घर पर हो रही कार्यवाही को भाजपा सरकार की गलत नीति बताते हुए कहा कि मेरा आग्रह है भाजपा के मंत्रियों से कि अगर उन्हें ध्यान देना ही है तो जनता के विकास के मुद्दों और उनकी परेशानियों पर दें, इस तरह के हल्के कार्य ना करें। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने आदिवासी सहित अन्य समाजों को फोकस करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने रामनिवास रावत को 6 बार विधायक, 1 बार मंत्री बनाया, लोकसभा का टिकट दिया, वे रामनिवास निजी स्वार्थों के लिए पार्टी को छोड़कर चले गए। ये पार्टी को नहीं बल्कि जनता को उनके द्वारा धोखा दिया गया है। उन्होंने बार बार विजय पुराने और पूरी ताकत से कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जीतने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी और अन्य भाजपा के नाराज नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा में अगर उनकी कद्र नहीं हो रही है तो कांग्रेस में स्वागत है। इस दौरान विधायक बाबू चंडेल, जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर भी मंत्री रामनिवास रावत पर जमकर बरसे। उन्हें स्वार्थी और गद्दार बताते हुए कहा कि रामनिवास रावत ने क्षेत्र में दूसरे किसी नेता को बढ़ने ही नहीं दिया, वे सिर्फ खुद अपने बेटे भाई को ही आगे बढ़ाना देखना चाहते थे। दूसरे समाजों को तो दूर, अपने रावत समाज के भी किसी नेता को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। जिससे आगे बढ़ने की कोशिश की उसे FIR करवा कर और झूठे मुकदमों व कार्रवाई करवा कर दबा दिया गया, लेकिन कांग्रेस उनकी गुंडागर्दी का जवाब देगी। सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को की कमर कस लेने और किसी से भी नहीं डरने की अपील की। कहा है कि हम सभी कांग्रेसी करहल विजयपुर क्षेत्र में बार बार आते रहेंगे, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो विधायक बगावत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बीजेपी में बगावत चल रही है, क्या कहते हैं? हाँ, मैंने सुना है कि सीताराम आदिवासी जी जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं वो भी बहुत निराश हैं। कहीं ना कहीं यही आज भाजपा में हो रहा है कि जो लोग लालच के कारण भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, लेकिन जिन भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं ने बचपन से दरी बिछाई, भाजपा के लिए काम किया, उनको उपेक्षित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सीताराम आदिवासी जी हमारे विधायक रहे हैं, पिछले कार्यकाल में हम दोनों साथ में विधायक थे, उनकी जो निराशा है मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी सच का साथ दे और हमारा साथ दे। उनने भी कहा है कांग्रेस से चुनाव लड़ने का बोला है। देखिए, चुनाव कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, टिकट किसको दिया जाएगा, ये पूरी पार्टी तय करेगी। लेकिन ये जो बयान जो आया है सीताराम आदिवासी जी के द्वारा, जहाँ वो समर्थन हमारा कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो हमारा साथ दें, सच का साथ दें। सच्चाई यही है कि एक तरफ भाजपा है जो अन्याय के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से विधायक खरीद रही है, और वही कांग्रेस है जो न्याय के माध्यम से और सत्य के माध्यम से जनबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक व्यक्ति जो विश्वास करता है लोकतंत्र में, एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता जो विश्वास करता है सत्य में, वो सब मिलकर इस बार कांग्रेस का साथ देंगे और हमें विजय दिलवाएंगे। विजयपुर विधानसभा में आदिवासी पर फोकस कर रही कांग्रेस जी। देखिए, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे कुशवा समाज हो, चाहे मीना रावत समाज हो, चाहे गुजर समाज हो, यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, व्यापारी वर्ग हो, अनुसूचित जाति के हमारे जो साथीगण हैं, जाटव समाज हो, और भी चाहे क्षत्रिय समाज हो, सबको साथ लेके चलना है। देखिए, चुनाव में कभी भी एक समाज विशेष की बात नहीं होती, सबके साथ मिलकर हम काम करते हैं। रामनिवास जी के लिए क्या कह रहे हैं जयवर्धन जी, जो पार्टी छोड़ रहे हैं? हमें बहुत अफसोस है, कांग्रेस ने रामनिवास रावत जी को सब कुछ दिया, उनको 5-6 बार विधायक का टिकट दिया, मंत्री बनाया, सब कुछ दिया, और हमें उम्मीद थी कि
जो व्यक्ति जिनका इतना लंबा कार्यकाल रहा है राजनीति में, वो इस उम्र में ऐसा धोखा नहीं देंगे पार्टी को। लेकिन बहुत अफसोस है, जो भी उनके कारण रहे उनने पार्टी बदली, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जनता सब बातें समझती है और जनता इस बार वो लोग जो सोचते हैं कि सौदे के आधार पर राज कर सकते हैं उनको अच्छा सबक सिखाएगी और कांग्रेस को अच्छी जीत। देखिए, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 पर जो कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर के गए हैं रामनिवास रावत जी, उसको लेकर के जो उन्होंने उपचुनाव जनता पर थोपा है, उसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के सभी संभाग के दिग्गज, इसमें आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद अशोक सिंह जी, हमारे विधायकगण दिनेश गुर्जर जी, पंकज उपाध्याय जी, बाबू जंडेल जी, पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी और हमारे लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक नीटू सिकरवार जी और सब तमाम आदरणीय पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी, आज गोविंद सिंह जी को भी आना था, आदरणीय फूल सिंह भरैया जी को भी आना था, वो किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ आज सैकड़ों कार्यकर्तागण जो पूरे कराल क्षेत्रीय नहीं, पूरे विजयपुर, वीरपुर, रघुनाथपुर, सेसईपुरा, आवदा, गसवानी, आगरा, सब जगह से आए हैं, यहाँ पर श्योपुर से भी आए हैं, उन्होंने आज रामनिवास रावत जी के विरुद्ध आगाज कर दिया है कि जो हमको धोखा मिला है उसका बदला हम लेकर के रहेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जब उम्मीदवार तय करेगी अगले महीने डेढ़ महीने के अंदर, महीने 15 दिन के अंदर, उसके बाद में पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए और स्पेस विजयपुर क्षेत्र में कांग्रेस का इतिहास रचने के लिए यहाँ पर सभी संकल्प लिया है, सभी कार्यकर्तागणों ने, सैकड़ों कार्यकर्तागणों ने और सभी नेताओं ने, पूरे नेतागण जो आए हैं वो स्वयं यहाँ पर लगातार एक एक डेढ़ से दो दो महीने रहेंगे और पूरी ताकत के साथ में हम विजयपुर में चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, इस चुनाव को जीत करके भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनको आईना दिखाएंगे। भाई साहब, रामनिवास जी की जंग आपसे तो है, लेकिन जो दो बागी विधायक हैं उनसे भी जंग होती नजर आ रही है, किस तरह देखते हो इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटबल हो गई है, क्योंकि वो अभी तक कांग्रेस में रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को तो धोखा दिया ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा मिल गया। वहाँ जो नेता बरसों से काम कर रहे थे, चाहे सीताराम आदिवासी जी हों, चाहे बाबूलाल मेवरा जी हों और अन्य कोई जो भी नेता हों, उन सबको पूरी तरह से उनकी जो जो बात थी वो फिट गई, जनता के बीच में वो लोग रहते थे, अब उनको ऊपर चुनाव थोप दिया गया कि साहब रामनिवास जी का काम करो, उन लोगों ने बयान जारी कर दिए हैं कि हम पूरी ताकत के साथ में हम उनसे बदला लेंगे और उसी को लेकर के सीताराम जी ने बयान दिया है। अब मुख्यमंत्री जी और बीडी शर्मा जी उनको मनाते घूम रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ आदिवासी समाज का वो उम्मीदवार रहे हैं, जीते भी हैं, उनको आदिवासी समाज कहीं ना कहीं शून्यता महसूस कर रहा है, इसके अलावा दूसरे समाज महसूस कर रहे हैं, मेवरा जी ने बयान दिया है, तो सब बातें आपके सामने हैं, जनता भी उसको देख रही है, मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है, विजयपुर की जनता भी देख रही है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आप जब परिणाम देखेंगे तो यहाँ की जनता उसका फैसला करेगी और कांग्रेस पार्टी को